महावीर युद्ध क्लब दक्षिण नागपुर द्वारा नागपुर शहर को हरा भरा करने के लिए 5000 वृक्ष लगाने व संजोने का कार्य किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ महापौर दयाशंकर तिवारी ने महावीर भगवान के दर्शन करने के पश्चात महावीर नगर जैन मंदिर के प्रांगण में पौधारोपण किया। 50 वृक्ष डंडी के साथ महावीर नगर ग्राउंड में पहुंचकर 250 वृक्षों का रोपण किया गया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत देश की स्वतंत्रता का यह 75वां वर्ष है, इसलिए नागपुर मनपा की ओर से शहर में 75 ऑक्सीजन जोन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत भविष्य में पूरे शहर को ऑक्सीजन की आपूर्ति का नैसर्गिक स्रोत निर्माण होगा। इस संकल्पना को साकार करने के लिए महावीर युद्ध क्लब परिवार, महावीर नगर सुधार समिति, श्री महावीर सहकारी गृह निर्माण संस्था व बाबूलाल जी टक्का मोरे स्मृति संस्था ने सहयोग दिया है। संतरा नगरी नागपुर शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी का जैन दुपट्टा शॉल तुलसी के पौधे के साथ सम्मान किया गया। विधान परिषद आमतार नाको कानार, प्रभाग के नगर सेवक रविन्द्र भोयर, प्रशांत थवर, शीतल कांबड़े का स्वागत जैन दुपट्टा व तुलसी का पौधा देकर किया गया। इस वक्त वृक्षारोपण समारोह के अध्यक्षता महावीर नगर सुधार समिति के अध्यक्ष अनिल गवारे ने की। प्रमुख उपस्थिति में भारत वर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष पेंठारी जैन, विदर्भ सेवा समिति के कार्याध्यक्ष डॉक्टर संतोष मोदी, महावीर सहकारी गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्र भूसारी, बाबूलाल टक्का मोरे स्मृति संस्था के प्रमुख अजय टक्का मोरे, जैन सेवा मंडल के पूर्व अध्यक्ष सतीश पेंटारी जैन, अखिल दिगम्बर सैतवाल, जैन संस्था के राजेंद्र जी नकाते, महावीर युद्ध क्लब के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर, केंद्रीय सचिव प्रशांत मानिकर जैन, केंद्रीय उपाध्यक्ष मंकेश बीबी, सैतवाल जैन संगठन मंडल के ट्रस्टी प्रशांत सवानी, भाजपा नेता प्रशांत कांबड़े, चंद्रकांत खंकार, अशोक पटेल का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महावीर युद्ध क्लब दक्षिण नागपुर की अध्यक्ष सिद्धांत नकाते, सचिव गौरव शाहकार एवं टीम ने प्रवीण कापसे, मनोज मांडवगाड़े इनके संयोजन में किया, जिसका संचालन केंद्रीय सचिव प्रशांत मानिकर ने किया व प्रस्तावना गौरव शाहकार ने रखी। आभार प्रदर्शन डॉक्टर रविन्द्र भूसारी ने किया। जैन समाज के माध्यम से, महावीर यूथ क्लब के माध्यम से और विशेष रूप से सैतवाल समाज के सभी संगठनों के माध्यम से यहाँ दक्षिण नागपुर की जो महावीर समाज जैन समाज की टीम है उनके नेतृत्व में 5000 पौधों के रोपण का इन्होंने कार्यक्रम पूरे नागपुर शहर में संकल्प लिया। मैंने इन्हें सूचना की कि महानगर पालिका के माध्यम से 75 ऑक्सीजन जोन बनाए जा रहे हैं, तो आप इस मैदान में एक साथ 250 पौधों का रोपण करके इसे ऑक्सीजन जोन के रूप में निर्मित करें। मेरी इस विनती को ये सारे कार्यकर्ताओं ने सुना और आज इस महावीर नगर के इस महावीर उद्यान में हम लोगों ने ऑक्सीजन जोन के निर्माण की शुरुआत नीम का पौधा रोप करके की। मैं समस्त टीम का अभिनंदन करना चाहता हूँ। नागपुर शहर में जो 75 ऑक्सीजन जोन बन रहे हैं उसमें से आज सुबह मैं जरीपटका में एक ऑक्सीजन जोन के निर्माण की शुरुआत करके आया हूँ। आज यहाँ हम लोग ऑक्सीजन जोन का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से 75 में से 2 रविवार मिला करके हम लोगों ने 7 जगह ऑक्सीजन जोन का निर्माण कर लिया है। आने वाले 15 अगस्त तक हम 75 ऑक्सीजन जोन का निर्माण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और यह सारे ऑक्सीजन जोन नागपुर महानगर पालिका के ना होकर के महानगर पालिका के सहयोग से नागरिकों द्वारा तैयार किए गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नागरिकों का इसमें अच्छा प्रतिशत मिल रहा है, इसलिए मैं सभी का मेरे से आभार मानता हूँ। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।